हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर जनरोड चैनल। और आज हमारे साथ हमारी फैकल्टी है जिससे हम बात करेंगे हाउ टू राइट एन आइडियल एसे। सर वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। तो सर मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि एसे में कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती है, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन रहे? देखिए पहला जो सबसे कॉमन ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि एसे को थोड़ा सा ना जनरली जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो थोड़ा सा लाइटली लेते हैं। लाइटली इन द सेंस कि एसे इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वो सबको पता है, लेकिन क्योंकि इसकी एक स्ट्रक्चर्ड तैयारी नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, तो लोग उसको एज अ सब्जेक्ट ट्रीट नहीं करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं या ऐसे के बारे में टॉपिक वगैरह जब चूज करते हैं तो कैसे आपको प्रोसीड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किसी एक टॉपिक की रेलेवेंस क्या है, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। और जितने भी आपका ये जो ऐसे लिखने का जितना भी तरीका है, जो स्टाइल है, वो प्रैक्टिस से ही डेवलप होता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस एक बहुत ही कॉमन चीज है जो स्टूडेंट्स में देखी जाती है। दूसरी चीज जो ऐसे में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मायने रखती है, वो ये है कि टॉपिक क्या चूज किया जाए ऐसे का। जैसे कि अब हम लोग जानते ही हैं कि ऐसे के टॉपिक्स अब मल्टी सिलेक्शनल बेसिस पे आ गए हैं, मतलब मल्टीपल टॉपिक्स आते हैं आपको पार्ट ए पार्ट बी। एक पेपर में हमें दो ऐसे लिखने हैं। हाँ बिल्कुल, दो ऐसे की डिमांड आने लगी है, दो ऐसे की डिमांड आ रही है आजकल। तो उस तरीके से फिर आपको टाइम बांटना होता है, बराबर ध्यान भी देना होता है टॉपिक्स पे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बिफोर हैंड जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर दें उसकी। और ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, मतलब आप ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रिलिम्स से पहले ही स्टार्ट कर दें ऐसे की प्रिपरेशन। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में जब प्रिलिम्स आपके हो जाते हैं और आपके पास चार महीने का समय होता है, तो अगर आप हर एक दिन भी कोई एक टॉपिक पे कुछ थोड़ा सा लिखना शुरू कर दें, इट्स जस्ट लाइक आंसर राइटिंग टू बी वेरी फ्रेंक। मतलब आप जैसे आप नॉर्मली कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, कोई टेस्ट देते हैं, तो उसी तरीके से ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस भी। तो जिस तरह आप ये कहना चाहते हैं सर कि अगर कोई स्टूडेंट प्रिलिमिनरी तक ऐसे की प्रैक्टिस नहीं करे किया हुआ है, वो किसी चीज को लूज नहीं कर रहा है, उसके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है ऐसे की प्रैक्टिस करने के लिए और अपने आप को एग्जामिनेशन रेडी करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जैसे नॉर्मली अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, तो आप टेस्ट सीरीज भी देते हैं, लिखने की प्रैक्टिस आपकी है, आप नोट्स बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बड़ा या लंबा कोई आंसर या कोई लंबा ड्यूरेशन का पेपर लिखने की आपके पास आदत नहीं है। आपके पास है वो स्किल सेट, रिक्वायर्ड स्किल सेट है आपके पास, इट्स जस्ट दैट कि आपको उसको थोड़ा सा मेंटेन करना है। और एसे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो जीएस के लिए जो आपकी प्रिपरेशन होती है मोर और लेस आपकी वही प्रिपरेशन ट्रांसलेट कर जाती है एसेज में। सर अभी आपने अपने कन्वर्सेशन में बताया हमें कि रेलेवेंट टॉपिक्स पे हमें ऐसे प्रिपेयर करने जी, तो रेलेवेंट टॉपिक्स है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हर किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, अगर मैं नॉर्मल ऐसे ऐसे इकोनॉमिस्ट बात करूं, तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि फार रीचिंग जिसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या उसकी एक हिस्ट्री चली आ रही होती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आजकल के जमाने में अगर हम कोविड की बात करें, कोविड-19 जो पैंडेमिक चल रहा है पूरे दुनिया में, इसकी काफी ज्यादा लोग इससे हताहत हुए हैं, काफी इसे एक तरह का नया एक पैराडाइम शिफ्ट आ गया है हमारे जीवन जीने के तौर तरीकों में, तो कोविड-19 ऐसा एक ग्राउंड ब्रेकिंग इवेंट है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोविड-19 के पूरे आपको साइंटिफिक उसके पूरे नुएंसेस के बारे में कोई ऐसे आ जाए, ऐसा नहीं होता है यूजुअली यूपीएससी में, बट हाँ ये कह सकते हैं कि किसी भी उसका जो डिजास्टर रिस्पॉन्स है किसी भी देश का, डिजास्टर से मेरा मतलब है नॉट जस्ट द नेचुरल डिजास्टर्स बट कोई बड़ी बीमारी आ जाती है या हेल्थ इंडिकेटर्स अगर हम बात करें, तो जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं किसी भी पर्टिकुलर एक, एक एक काफी ज्यादा जो टॉपिक जो मतलब साल भर में काफी ज्यादा लोग उसको बारे में पढ़ते हैं लिखते हैं या काफी प्रेवलेंट है अगर कोई ऐसा टॉपिक, तो उससे रिलेटेड उसके सारे जितने भी उसके जो पॉइंट्स हैं रिलेटेड पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल हेल्थ इंडिकेटर्स जिसे मैंने बात करी, या किसी भी उसके जो है मेडिकल एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, या फिर उसका
सस्टेनेबल डेवलपमेंटल जो गोल्स रहे हैं कंट्री के, उसमें उसकी क्या स्टैंडिंग है, अभी तक का उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है किसी भी कंट्री का टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर, जो दिखाता है कि हाँ वो कहाँ स्टैंड रखता है ग्लोबल कम्युनिटी में. इस तरीके की चीजें जो है हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलनी चाहिए. और ये कोई बहुत वो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में इसको जो है जॉट डाउन करना है. अच्छी बात है आप करें तो अच्छी बात है, बट इट्स जस्ट दैट कि आपको पढ़ते जाना है उसके बारे में, आपको अपने आँख कान जो है खुले रखने हैं, जिससे भी रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो उस चीज को जो है ग्रास्प करिए, उसको डीपली पढ़िए, उसको देखिए कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है. अगर आप क्रक समझ जाएंगे किसी भी टॉपिक का तो उसको रिलेट करके उसमें लिखना, फिर तो वो फ्लो की बात आ जाती है, जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में. कोई भी टॉपिक आपने जैसे पढ़ा है तो वर्बैटिम आप उसको नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते, वो पॉसिबल भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए. बट हाँ, अगर आपने उसको डीपली पढ़ा है तो उसको आप समझा सकते हैं. जैसे मान लिया अगर मैं किसी भी टॉपिक पर बात करना चाहूँ जैसे हम अभी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो ये मैं पढ़ के या इसको सरट के तो नहीं आया हूँ, बट ये है कि क्योंकि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो वही बात है. आप अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी आपकी थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, उसको आप जो है पन्नों पे उकेरते हैं. सर, अभी आपने बताया कि हमें उसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए टॉपिक को और उसकी स्पिरिट, उसकी सोल को जानना चाहिए जी. लेकिन ये जो पढ़ने का सवाल उठता है तो उसके लिए कौन कौन से रिलेवेंट सोर्सेज रहते हैं, किन सोर्सेज से हमें उसे पढ़ना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है. सोर्सेज तो देखिए, यूपीएससी तो एक मतलब ऐसा कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड वैसा सिलेबस तो नहीं होता है यूपीएससी का, बट क्योंकि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, जनरली हर कोई स्टूडेंट तैयारी करते समय एक कोई न्यूज़पेपर जरूर पढ़ता है, तो न्यूज़पेपर इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, ये सबसे अच्छा सोर्स है किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ने का. और आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल पढ़ते ही जाइए किसी भी चीज को, और मतलब बिना दिमाग लगाए पढ़ना तो कोई पढ़ना नहीं हुआ. किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आप जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आ रहे हैं काफी समय से, तो आपको एक एक तरीके का आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में ये चीजें देखनी है. जैसे नॉर्मली न्यूज़पेपर पढ़ने के जो हमारे तरीके होते हैं सबके डिफरेंट होते हैं मैं मानता हूँ, लेकिन एक जो पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है वो यही है कि रेलेवेंट सोर्स होना चाहिए, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंटल सोर्स होना चाहिए. दूसरा ये कि उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ताकि अगर आपको एक ही लॉप साइडेड व्यू ना रहे आपको किसी भी टॉपिक को लेकर. तो पहला सोर्स तो न्यूज़पेपर है, बाकी बहुत ही अच्छे गवर्नमेंटल पब्लिकेशंस आते हैं जैसे कि योजना हो गया, या फिर कोई ऐसी मैगजीन आती है. जैसे अगर मैं ये तो मैं नॉर्मल पब्लिकेशंस की बात कर रहा हूँ, कुछ अच्छे पब्लिकेशंस ऐसे जैसे ज्योग्राफी नाउ करके आता है, बाकी ये तो हो गया जो प्रिंट मीडिया में आप लोग पढ़ते हैं, बाकी राज्यसभा टीवी के कुछ डिबेट्स आते हैं उनको फॉलो करिए. तो उससे क्या फर्क पड़, क्या क्या बेसिकली क्या डिफरेंस है उसमें, कि अगर आप सुनते हैं लोगों के वेरिड व्यू पॉइंट्स, तो आप उनको डिबेट करते हुए जब सुनते हैं तो एक आपका थॉट डेवलप होता है कि अच्छा इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं. पढ़ने में क्या है कि आप जैसे पढ़ते जाते हैं तो एक प्रोसेस डेवलप तो हो जाता है, लेकिन उसका एक 360 एंगल नहीं बन पाता. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे कोई भी ऐसी हेल्दी डिबेट जो हो रही है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड, बेसिकली गवर्नमेंट सैंक्शन होती है, तो उसको जरूर फॉलो करें. राज्यसभा टीवी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फॉलोइंग करंट टॉपिक विच आर ऑफ सब्सटेंस. सर, ये तो आपने हमें सोर्सेज के बारे में बताया, और जो बहुत जरूरी है गवर्नमेंट सोर्सेज हमें आपने रिकमेंड किए हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी काफी रेलेवेंट रहती होगी इनके तहत. जी बिल्कुल, PIB की वेबसाइट है जैसे, आप वो फॉलो कर सकते हैं. बाकी मिनिस्ट्रीज जितनी भी गवर्नमेंट की हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, हेल्थ, तो इनमें इनकी मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स पे जो है इम्पोर्टेंट जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं या कोई भी लेख आते हैं उसमें, तो उनको फॉलो करिए. उससे क्या होता है, एक तो आपके स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपको पता लगता है, एक व्यू पॉइंट बनता है आपका कि अच्छा ये स्टैटिस्टिक्स चल रहा है अभी इस करंट पर्टिकुलर टॉपिक में. तो भले ही मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको वर्बैटिम याद कर लीजिए, बट उससे एक आपका थॉट प्रोसेस डेवलप, उसको स्ट्रेंथन होने में मदद मिलती है. अगर आप सपोर्ट करेंगे फैक्ट से तो बहुत अच्छा है, नहीं भी करेंगे तो भी कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ उस डायरेक्शन में जरूर आपकी सोच डेवलप हो जाएगी, तो उससे कुछ और अच्छा निकल सकता है. कहने का मतलब है, जब आप लिखते हुए चलते हैं तो फ्लो में कोई एक अच्छा पैराग्राफ निकल आता है उस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक पे. जैसा आपने अभी वेबसाइट्स के बारे में बताया, मैं
जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हमने देखा है कि आजकल गवर्नमेंट वेबसाइट्स में एक FAQ का भी कॉलम उन्होंने ऐड करना शुरू कर दिया। जी जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। FAQs में उनके पास मैंने देखा है बहुत सारे रिलेवेंट पॉइंट्स रहते हैं। IMD की साइट पर मैंने नोट किया, उन्होंने इंडियन मॉनसून से रिलेटेड बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे रखी है, जो काफी यूजफुल रहेगी। बिल्कुल 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 सही बात है। और उसमें विजुअल एड्स भी होती हैं, अगर आप किसी किसी वेबसाइट्स में देखेंगे कि पर्टिकुलर स्पेसिफिकली ये जो IMD की वेबसाइट हो गई और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की हो गई, मैं इलेक्शन कमीशन की भी वेबसाइट यहाँ पे लेके आना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा मटेरियल। जी जी बिल्कुल, बल्कि इलेक्शन कमीशन में जितना मटेरियल आपको मिलता है वो बहुत ही ऑथेंटिक होता है और बहुत ही अच्छे उसमें आपको जो है इनपुट्स मिलते हैं। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को फेस करने को आती है और उनको काफी प्रॉब्लम होती है, वो एसे का एक आइडियल स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से एसे को स्टार्ट करना है, किस तरीके से एसे को मूव करना है, किस तरह हम उसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स तक लेके जाते हैं, एक आइडियल स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके अलावा अक्सर रिटर्न स्टाइल पे डिबेट रहा है, कई बच्चे इसको कहते हैं कि हम एक स्टोरी की तरह उसे लिख सकते हैं, या हम उसे फर्स्ट पर्सन में लिख सकते हैं, या हमें उसे कोट से शुरू करना चाहिए, तो एक बहुत डाइवर्स यूज है इसको लेकर। लेकिन आपके हिसाब से एक आइडियल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए एसे का? देखिए, बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। एसे का स्ट्रक्चर जो है, अगर मैं बहुत ही फ्रेंकली मैं बात करूं तो एसे का कोई आइडियल स्ट्रक्चर होता नहीं। जो भी ये क्लेम करता है कि यही आइडियल स्ट्रक्चर है उसमें मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, वो या तो डिल्यूजनल है या वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कोई आइडियल स्ट्रक्चर नहीं होता है। द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अ स्टूडेंट नीड्स टू रिमेम्बर इज कि एसे में आपको फ्लो का ध्यान रखना है। फ्लो से मेरा मतलब ये है कि अगर आप एसे किसी एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस से स्टार्ट कर रहे हैं, किसी एक पैराग्राफ में आपने एक थॉट लिखा है, तो दूसरे पैरा में जब आप शिफ्ट करते हैं उसको, तो वो नेचुरली प्रोग्रेस करना चाहिए पहले पैराग्राफ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर बच्चे जो है भूल जाते हैं। अभी क्या होता है कई जगह, ये बहुत अच्छा टेक्निक है कि मान लिया आपने ऐसे आपके सामने आया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, एक ऐसे का टॉपिक आपके सामने आया, तो पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो तरीका होता है वो यही होता है कि आप रफ वर्क पीछे जाते हैं, रफ वर्क में जो भी आपके दिमाग में पॉइंट्स आते हैं आप उसको नोट डाउन कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज करना चाहिए। बट उस चक्कर में क्या होता है, कई बार बच्चे उस चीज को जो है एज एन आर्टिकल या एज एन नोट्स फॉर्म में उसको लिखना शुरू कर देते हैं। मान लिया मुझे 10 पॉइंट याद आ गए इलेक्शन कमीशन को लेके, क्योंकि आपने भी रिलीज किया था, तो इलेक्शन कमीशन को लेकर मेरे पास 10 पॉइंट है और मेरे पास टाइम मान लिया 3 घंटे में मुझे 2 ऐसे लिखने हैं, तो 1.5 घंटा है मेरे पास, इसमें आपको स्ट्रक्चर के बारे में भी सोचना है और लिखना भी है। तो 10 पॉइंट में अगर मैं ये सोचूं कि मुझे 10 के 10 पॉइंट किसी तरीके से भी ऐसे में कहीं ना कहीं दिखाने हैं, तो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं। मैंने कई बार ऐसे बच्चों को अच्छे नंबर लाते हुए देखा है जिन्होंने 10 नहीं 5 ही पॉइंट लिखे होंगे। मान लिया 10 पॉइंट है इलेक्शन कमीशन के जो बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उसमें से 5 भी पॉइंट्स लिखे हैं किसी ने और प्रॉपर फ्लो के साथ लिखे हैं, अगर एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ब्रेकेज है, तो उस बच्चे के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपका था कि ऐसे को स्टार्ट कैसे किया जाए, स्टार्ट करने का कोई एक तरीका नहीं है। कई लोग कोट से स्टार्ट करते हैं, कई लोग नॉर्मल एनेक्डोट से स्टार्ट करते हैं, कई लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और उसको आंसर देते हुए चलते हैं। ये मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहें और जिसमें भी ऐसा ना लगे कि आप जो है किसी भी ऐसे को लेके कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में लेके जा रहे हैं, तो आपका ऐसे अबव एवरेज और अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% किसी ऐसे में बहुत ही अच्छा, ऐसा होता है कि बहुत लोगों के बहुत ही हाई नंबर आते हैं ऐसे में, वो वंस इन अ टाइम वो मतलब एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है किसी किसी ऐसे में, बट अगर आप चाहते हैं कि आपके अबव एवरेज नंबर आए और टुवर्ड्स द हायर साइड रहे, तो फ्लो का ध्यान रखिए। फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे एनेक्डोट से स्टार्ट करिए, आप चाहे क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, लेकिन अगर आप मुझे पढ़ने में आप अपने आप को एग्जामिनर के शूज में रख के देखिए और आप सोचिए कि अगर मैं उस पर्टिकुलर एसे को पढ़ रहा हूँ तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ने में, मुझे ये पता होना चाहिए कि अच्छा हाँ ये नेचुरली प्रोग्रेस कर रहा है, अब ये आएगा आगे जाके। कोई सरप्राइजेस मत रखिए एसे में, एक नॉर्मल जैसे एक
स्कूल लेवल के मतलब 11th 12th लेवल के स्टैंडर्ड के जो इंग्लिश है, बहुत हाई फाई इंग्लिश लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप, मैं फिर मैं कह रहा हूँ कि एग्जामिनर के शूज में बैठ के देखिए, उसको देखिए कि उसे कैसा लगेगा पढ़ते हुए आंसर। अगर उसको नेचुरली पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको लिखने में अगर मजा आ रहा है, तो उसे पढ़ने में मजा आ रहा है। तो इसको यही मान के चलिए कि फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, और कोई आइडिया स्ट्रक्चर नहीं है, अपने दिमाग में कोई सेट बना के मत चलिए, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसमें। सर मैं यहाँ पे एक पॉइंट रेज करना चाहूंगा, ये करंट अफेयर्स का क्या रोल है, करंट अफेयर्स को या डेटा को कितना एसे का हिस्सा बनाना चाहिए हमें, और किस लेवल पे उसको स्प्रेड करना चाहिए अपने एसे के ऊपर? जी ये काफी अच्छा सवाल है। कई लोग क्या करते हैं कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि स्टैटिस्टिक्स पे बहुत ध्यान देते हैं, मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज का स्टैटिस्टिक क्या है, इंडिया की पोजीशन क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में फॉर एग्जांपल, या इंडिया का आईएमएफ ने कौन से स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने क्या रेटिंग दी है, या एसडीजीज में हमारे कितने परसेंटेज गोल्स कवर हुए हैं, या फॉरेस्ट कवर में हमारे कितने परसेंटेज फॉरेस्ट कवर बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। ये बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स हैं नो डाउट, और अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छा है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं भी याद है तो ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप एक एसे लिख रहे हैं, आप एक आर्टिकल नहीं लिख रहे हैं। आर्टिकल और एसे में इकलौता फर्क यही है कि आर्टिकल एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही सधा हुआ और स्टैटिस्टिक्स के साथ प्रेजेंट किया हुआ कुछ होता है। जैसे नॉर्मली अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो ओपिनियन वाले जो आर्टिकल्स होते हैं और न्यूज आइटम्स जो होते हैं, उनमें बेसिक डिफरेंस आपको अगर मैं बताऊं तो वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स का ही है। वहां पे अगर आप नॉर्मल न्यूज आइटम पढ़ेंगे कि मान लिया इंडिया ने चंद्रयान जो है लॉन्च किया, अब उस अगर वो एक न्यूज आइटम है तो न्यूज आइटम में आपको बताएगा कि चंद्रयान का पेलोड क्या था, चंद्रयान का विड्थ कितना था, उसमें फ्यूल कितना था, किस टाइप का फ्यूल था, कितने किलोमीटर के बाद उसने जो है पहला जो उसका बूस्टर रॉकेट है वो छोड़ा, और कितने किलोमीटर के बाद उसने दूसरा बूस्टर रॉकेट जो है सोन सो, तो उसमें सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सब कुछ बता देगा। लेकिन अगर आप ओपेड में जाएंगे तो वो बताएगा कि चंद्रयान इंडिया के लिए क्यों जरूरी, इंडिया के पास और भी कई सारी प्रॉब्लम है बट फिर भी हम स्पेस प्रोग्राम को इतना तवज्जो क्यों देते हैं, चंद्रयान की हिस्ट्री में पीछे हमने क्या क्या अचीवमेंट्स हमारे रहे हैं और आगे इससे क्या फायदा होगा। तो मैं जैसे कि मैंने बताया एसे इज मोर लाइक एन ओपिनियन, ओपिनियन ओपेड आर्टिकल, इट्स नॉट ए न्यूज आइटम। तो अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स हैं तो आप उसको मेंशन करिए, बेशक करिए, बट डू नॉट मेक योर एसे एवरीथिंग ओनली सेंटर्ड अराउंड दैट पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक। हमने एसे के बारे में स्ट्रक्चर भी बना लिया, हमने कंटेंट भी रख दिया, फ्लो भी बना दिया, लेकिन हमें बहुत ही स्टैंडर्ड इवेल्युएशन भी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इवेल्युएट नहीं कर पाते, तो एक अच्छा इवेल्युएशन मैकेनिज्म क्या होना चाहिए किसी एसे का? देखिए ये बहुत ही सब्जेक्टिव इवेल्युएशन, अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही सब्जेक्टिव है। हर कोई मतलब अगर आप 10 लोगों से एक ही आंसर चेक करवाएंगे, जैसे ये तो सिमिलर ऐसे ही हो गया कि जैसे आपका आंसर राइटिंग में जो इवेल्युएशन होता है। हाँ एक आइडिया लगाने के लिए अगर आपको ये है कि मतलब आपको एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा कि आपके कितने नंबर होंगे, मतलब मैं अगर एक आंसर एक ऐसे का टॉपिक चूज करके एक ऐसे लिख रहा हूँ तो हो सकता है आप मुझे उसमें 140 नंबर दें, हो सकता है मैं उसमें उस पर्टिकुलर ऐसे को 130 नंबर दूं। लेकिन अगर दो लोगों से अगर आप या तीन लोगों से अगर आप चेक करवा रहे हैं और ड्रास्टिकली चेंज आ रहा है, मान लिया एक जगह 130 आ रहे हैं और दूसरी जगह आपके 80 ही नंबर दे रहे हैं, देन देर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप एक या दो सोर्सेस से चेक करवाए, हाँ हमेशा मल्टीपल सोर्सेस से चेक करवाइए, मेरा तो यही आपको सजेशन रहेगा। पहली बार मल्टीपल सोर्सेस से फायदा ये रहता है कि आपको आइडिया लग जाता है कि मीन क्या है आपके ऐसे, कहाँ पे स्टैंड कर रहा है आपका ऐसे। जैसा कि मैंने बताया अगर एक ही ऐसे में अगर आपके ड्रास्टिकली डायमेट्रिकली ऑपोजिट नंबर आ रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम है। फिर एक अच्छे वैल्यूएटर को ढूंढिए, कहने मतलब है कोई पुराना, कोई अगर आपके जान पहचान में कोई प्रोफेसर है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है जो काफी एक्सपीरियंस रखता है इस फील्ड में तो उनको जरूर दिखाइए। लेकिन मल्टीपल सोर्सेज से, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी मेन स्टैंडिंग क्या है और उसी के इर्द गिर्द आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो। ठीक है सर, काफी इन्फॉर्मेटिव रही आपके साथ कन्वर्सेशन, लेकिन मैं लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ऐसे ही प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए आपकी फाइनल एडवाइस क्या है? फाइनल एडवाइस तो मेरी यही रहेगी कि आप एसे को पहली बात लाइटली मत लीजिएगा, इट इज अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक। एसे के लिए कोई स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन नहीं होती है, अगर आप स्ट्रक्चर्ड करेंगे तो वहां पे आपको एसे
प्रिपेयर करते हुए और लिखते हुए भी आपकी क्रिएटिविटी पे ब्लॉक आएगा। तो पहला सजेशन ये है कि आप जितना पढ़ सकते हैं और जितना समझ के पढ़ सकते हैं थ्रू वेरियस सोर्सेज जो हमने पहले भी अभी बात करी, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और वेबसाइट्स, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल मत याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए, उससे भी आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है। उसको नोट डाउन करिए, कुछ कुछ स्टैटिस्टिक्स जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन करिए। तीसरी चीज प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक आप लिखेंगे नहीं किसी चीज को, आपको नहीं पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं, आपके लिखने का स्टाइल क्या है, कितने वर्ड्स आप लिख पा रहे हैं एक पर्टिकुलर पेज में। आंसर शीट्स आजकल तो बनी बनाई आंसर शीट्स भी आती हैं मार्केट में, जो एकदम यूपीएससी स्टाइल में वो लोग डिजाइन करके रखते हैं, ब्लैंक शीट्स आती हैं मार्जिन के साथ। तो प्रैक्टिस करने के दो फायदे, एक तो आपकी स्टाइल मंज जाती है, आपको लिखने का तरीका आने लग जाता है, फ्लो डेवलप होता है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो आपका जो वर्ड लिमिट है वो एक्सीड ना हो, उसके लिए आपको पता होना चाहिए एक पेज में कितने वर्ड आ रहे हैं आपके। तो उसके लिए तभी पता लगेगा आपको अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे कि आपके एक शीट में कितने वर्ड्स आ रहे हैं, तो एक रफ आइडिया लग जाता है कि मुझे कितने पेज लिखने हैं। किसी की राइटिंग छोटी होती है, किसी की राइटिंग बड़ी होती है, सो इट डजंट मैटर, आप साफ लिखिए, बार बार लिखिए, और तैयारी के टाइम पर मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में मत रखिए किसी भी चीज को, पढ़िए, थोड़ा बहुत नोट डाउन करिए और उसको रिवाइज करिए ओवर एंड ओवर अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर ब्रिलियंट एडवाइस एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। आप अपने सारे डाउट में भेज सकते हैं info@general.in या आप हमें कॉल कर सकते हैं 8826571263 पे। तब तक के लिए कीप स्ट्रेटिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप अटेम्प्टिंग टेस्ट एट general.in। थैंक यू एंड गुड नाइट।